खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या बात है चंदू, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। पहले नहीं लगती थी, ये बात बताने में तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं चंदू, पहले लगी थी ना अच्छी, दो बार अच्छी लगी थी, 2009 में दो बार और 2013 में तीन बार। मजाक मत करो नंदू, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तैयार होने से? अरे नहीं, बॉस के आने से। सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे टेंशन मत लो चंदू, आखिर खाना मेरी मम्मी जी बना रही है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मम्मी जी मेरे प्रमोशन के लिए कितनी एक्साइटेड है ना, दोपहर से खाना बना रही है। मुझे तो इसमें शक हो रहा है। क्या? मैं तो ऐसे कह रही हूँ नंदू, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? आइए सर, आइए। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पुत्र, जीवंदा रहे। थैंक यू थैंक यू। वाओ, ये मैं खाने की है? हाँ हाँ, मम्मी जी ने खुद बनाया खाना। आंटी जी, आपका खाना ऑफिस में खाया था, बहुत बेकार है। ओए होए, बेकार? बेकार नहीं बॉस, मजेदार। हाँ हाँ, वही मजेदार। सॉरी आंटी जी, मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, यू नो। तो डर ही गई थी। चल रही पुत्र, मेहमान आए, खाना सर्व कर पुत्र। जी मम्मी जी। मम्मी जी, वो खाना सर्व करने वाला स्पून नहीं दिख रहा है। पुत्र जी, किचन से ले आओ। शाबाश। ये चंदू ना बहुत पुलक्कड़ है, सारे काम मुझसे पूछकर करती है। ऑफिस के काम भी भूल जाती होगी, है ना? नहीं नहीं आंटी जी, चांदनी जी तो बहुत एक्टिव है ऑफिस में। What is that? लड़की बड़ी अच्छी है, पर बिचारी को नींद बहुत आती है। ऑफिस में भी काम करते करते कहीं सो तो नहीं जाती? नहीं नहीं आंटी जी, ऑफिस में तो मुझे ही नहीं सोने देती। हाय हाय, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। बस गॉसिप करने की बड़ी बुरी आदत है। आपके ऑफिस के भी सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा करके गॉसिप करती रहती होगी। मिल गई, सॉरी देर हो गई। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, चम्मच आटे के डब्बे में कैसे पहुंच गए? बर्तन के स्टैंड पर तो नहीं थे? अरे चांदनी जी, अब देर मत कीजिए, खाना परोसिए। जी जी जी। अब बहू, मैं नमक रखना ही भूल गई। थोड़ा सा नमक लिया किचन से, किसी को भी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ लाई। तो मैं वो गॉसिप वाली बात कह रही थी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, चांदनी जी गॉसिप नहीं करती। हाँ ऑफिस के बाद बहुत करती है, पर इट्स ओके, चलता है। ये लीजिए नमक, अब खाना शुरू करें। हाँ हाँ, खाओ खाओ, मैंने रोका थोड़ी है। खाओ खाओ पुत्र जी, खाओ। ओ बहू, वो पानी रखना भूल गए। क्या पानी लिया? फिर खाना खाते खाते बीच में से उठना पड़ेगा, है ना? मम्मी जी अभी ला जाए शाम। मम्मी जी। तो मैं कह रही थी पुत्र, शादी के बाद ना हमारी चंदू को चोरी और बेईमानी की आदत पड़ गई। बेईमानी करके मेरे पुत्र नंदू को लूडो में भी हरा देती है। कहीं ऑफिस में भी कपला वपला तो नहीं करती? नहीं नहीं, चांदनी जी तो हमारे ऑफिस के सबसे बेकार एम्प्लॉय हैं। सच्ची? बॉस आपका मतलब ईमानदार ना? हाँ हाँ वही, ईमानदार, ऑनेस्ट, ये सही। तेरी हिंदी के कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात, छुप जाए चोर है,
खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला तेरे होंठ जो खिले दिल खिला दिल खिला तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला आहा मजा आ गया रियली बॉस आपको यहाँ का डिनर तो अच्छा लगा ना अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा आई एम सॉरी चांदनी जी आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मैं हड़बड़ी में कोई गिफ्ट नहीं ला पाया कोई बात नहीं कल ऑफिस में दे दीजिएगा अब क्या मतलब मेरा मतलब है आप यहाँ आए आपको खाना अच्छा लगा हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है पर फिर भी मुझे कुछ तो लाना चाहिए था ना किट्टम किट्टू जी अगर आप कुछ गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो चंदू को प्रमोशन दे दीजिए ना हाँ हाँ वो वरना आए देना जो जी वैसे भी प्रमोशन का टाइम आ गया है नहीं नहीं बस ऐसे कैसे चांदनी जी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना हाय हाय इसमें प्रमोशन देने की क्या जरूरत है फूलों का एक गुलदस्ता दे दे पुत्र वही गिफ्ट हो गया मम्मी जी मैं तो ऐसे कह रही थी पर क्या सच रही हूँ अब ऐसे थोड़े प्रमोशन बांटते फिरोगे सोचो कल को तुम्हारे किसी और एम्प्लॉय ने इससे भी ज्यादा अच्छा खाना खिलाया तो उसको भी प्रमोशन दे दोगे मम्मी जी आप सच कह रही हैं वैसे आजकल मेरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज मुझे प्रमोशन के चक्कर में डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं यू गॉट इट ओह माय गॉड चांदनी जी कहीं आप भी तो नहीं बॉस वो मैं सब समझ चुका हूँ मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए थैंक यू बाय आओ मम्मी जी मम्मी जी क्या मैं तो सच ही कह रही थी खामोशियां बेचैनियां नादानियां